फ्रेंड्स, दिनेश जी टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पांडे। आज हम आपको ईंट के कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ईंट जो कि मुख्यतः दो प्रकार से होती है, एक कच्ची ईंट होती है और एक पक्की ईंट होती है। जो कच्ची ईंट होती है, अगर माना जाए तो पक्की ईंट का ये बेस तैयार करती है। जो कच्ची ईंट होती है उसकी सामर्थ्य 15 से 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है नॉर्मल, और जो पक्की ईंटें होती है इसकी सामर्थ्य 35 से 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगर बात किया जाए तो पक्की ईंटें भी आपकी 4 श्रेणी में रखी जाती है, जिनको क्रमशः प्रथम श्रेणी की ईंटें, द्वितीय श्रेणी की ईंटें, तृतीय श्रेणी की ईंटें और अतिदग्ध ईंटों के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए प्रथम श्रेणी की ईंटें कौन सी होती हैं, जो प्रथम श्रेणी की ईंटें होती हैं ये सबसे मजबूत, सबसे सामर्थ्य और सबसे उत्तम क्वालिटी की ईंटें समझी जाती है। अगर बात किया जाए प्रथम श्रेणी की ईंटें, तो प्रथम श्रेणी ईंटों का रंग गेरुआ टाइप में होता है और इनकी सामर्थ्य मिनिमम संपीड़न सामर्थ्य 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और इनके कोने तीखे होते हैं। इनको अगर दो ईंटों को लेकर आपस में टकराया जाए तो धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर इसको 1.5 मीटर से गिराया जाए तो इस ईंट को टूटना नहीं चाहिए और इस ईंट की जल अवशोषण क्षमता इसके भार का 1/6 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं द्वितीय श्रेणी ईंट की। द्वितीय श्रेणी ईंट जो होती है यह एक इसी का जस्ट सेकंड रूप है, लेकिन सामर्थ्य कम होने के कारण और इसका रंग कुछ थोड़ा हल्का फीका होता है, एक विशेष रंग होता है और इसकी संपीड़न सामर्थ्य 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगर बात किया जाए द्वितीय श्रेणी की ईंट को, तो इसको ऐसे जगह यूज किया जाता है जहां पर की प्लास्टरिंग कार्य करना हो, वहां पर इसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर सुर्खी बनाने के रूप में भी द्वितीय श्रेणी की ईंटों को प्रयोग किया जाता है। इन ईंटों को देखा जाए तो प्रथम श्रेणी की ईंटों के तुलना में थोड़ा कम सामर्थ्य होती है। अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी की ईंटें। तृतीय श्रेणी की ईंटें इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से काफी महत्वहीन ईंटें होती हैं। इनको कहीं पे प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे जगह जहां पर भार कम आने की संभावना हो, वहां पर तृतीय श्रेणी की ईंटों को हम प्रयोग में ला सकते हैं। जो आपकी तृतीय श्रेणी की ईंटें होती हैं ये काफी कमजोर होती हैं और ये आसानी से गिराने पे टूट जाती है। इनका रंग पीला करके होता है और ये काफी कमजोर और सबसे थर्ड क्वालिटी की ईंट समझी जाती है और इसकी संपीड़न सामर्थ्य बहुत ही कम होती है, इसलिए इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से यह महत्वहीन ईंट समझी जाती है। आइए बात करते हैं सबसे लास्ट ईंट की, जिसका नाम है अतिदग्ध ईंट। यह ईंट ऐसी होती है जो कि आपके भट्ठे पे, जहाँ पे सबसे अधिक ताप होता है वहाँ पर जो ईंट पकाई जाती है, वहाँ की ईंटें अत्यधिक ताप होने के कारण अपने आकार में कुछ परिवर्तन हो जाती है, पिघल जाती है और उनका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ऐसी ईंटों को अतिदग्ध ईंट कहा जाता है। इन ईंटों को सामान्यतः हम चिनाई कार्यों में प्रयोग नहीं करते, लेकिन ये ईंटें बहुत अधिक सामर्थ्यवान होती हैं। इनको हम बेसमेंट में, जैसे सोलिंग कोट में, न्यू की नीचे कंक्रीटिंग में, कंक्रीट में और चूना कंक्रीट इत्यादि में कंक्रीट के रूप में, एक मोटे मिलावे के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार ईंट का एक सामान्य परिचय हुआ। ईंट की बात किया जाए तो पक्की ईंट की सामर्थ्य 35 से 350, कच्ची ईंट की सामर्थ्य 15 से 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे सबसे महत्वपूर्ण ईंट हमारी प्रथम श्रेणी की ईंट है, जो हमारे सभी ऐसे जगह जहाँ पर सबसे अधिक सामर्थ्यपूर्ण चिनाई का कार्य होना है वहाँ पे ये प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार से ये आज हमारी ईंट के बारे में चर्चा हुई। इससे अधिक और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।